दोस्तों आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर मैं इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 आपको बताने वाला हूँ और इकोनॉमिक सर्वे VBI टॉपिक है। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 ये कब प्रस्तुत हुआ था? तो ये प्रस्तुत हुआ था 31 जनवरी 2022 को। कब प्रस्तुत हुआ था? 31 जनवरी 2022 को। और देखिए, ये इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 है, जबकि अगर पिछले वर्ष के बजट की बात किया जाए, जो 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था, जो बजट था वो क्या था? वो था 22-23, ठीक है? तो बजट क्या था? 2022-23, और इकोनॉमिक सर्वे 21-22। तो थोड़ा सा ये एक ईयर बैक करके इसको काउंट किया जाता है, ठीक है? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 31 जनवरी 2022 को प्रस्तुत किया गया था, और ये बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। ये जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 है, ये किसके मार्गदर्शन में तैयार हुआ? तो संजीव सान्याल जी के मार्गदर्शन में तैयार हुआ। ये प्रमुख आर्थिक सलाहकार भी हैं। अब देखिए, अगला सवाल यह है कि पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण को कब प्रस्तुत किया गया था? तो पहली बार प्रस्तुत किया गया था 1950-51 में। 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण और आम बजट साथ साथ प्रस्तुत होता रहा है, मतलब हुआ था। 64 के बाद से इसे अलग कर दिया गया और बजट के एक दिन पहले इसे प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है? और देखिए, ये बहुत ही VBI क्वेश्चन है, और ये जितना भी क्वेश्चन अभी हो रहा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन समझिए आना ही आना है। अब कुछ डाटा को देखते हैं। देखिए, ये डाटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या ये डाटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? 21-22 में GDP में वृद्धि, यानी आर्थिक विकास दर क्या रहने का अनुमान था 21-22 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार? तो 9.2%। कितना? 9.2%। अगला क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है वही मैं आपको करा रहा हूँ। अगला ये बताना है कि जो GVA है, GVA का मतलब ग्रोस वैल्यू एडेड, यानी सकल मूल्यवर्धन। सकल मूल्यवर्धन में आपको ये बताना है कि कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर कितना रहा है। सीधे तौर पर BPSC में क्वेश्चन पूछता है डाटा, तो कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर है 3.9%, 3.9, ऐसे याद कर लें आप। उद्योग क्षेत्र में 11.8 और सेवा में 8.2, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सियरी, तीन क्षेत्र में सबसे कम वृद्धि कृषि में रहा 3.9%, सबसे ज़्यादा उद्योग में रहा 11.8, जबकि सेवा में 8.2%, ठीक है? तो चलिए कुछ अन्य चीज़ों को आगे देखते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इम्पॉर्टेंस पॉइंट ही हम यहाँ पे दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, विदेशी मुद्रा भंडार, क्या विदेशी मुद्रा भंडार, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है दुनिया में कितना नंबर का है? तो चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार भारत का ही है। नंबर वन पे चीन, नंबर दो पे जापान और नंबर तीन पे स्विट्जरलैंड। नंबर वन पे चाइना, नंबर दो पे जापान, नंबर तीन पे स्विट्जरलैंड और नंबर चार पे है भारत। अब कहिएगा अमेरिका, तो भाई साहब अमेरिका खुद ही डॉलर छापता है, तो वो उसको क्यों रिजर्व करके रखेगा, ठीक? टॉप पाँच निर्यात और टॉप पाँच आयात। पहले आयात को देखते हैं। आयात में नंबर वन क्या है? कच्चा पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा भारत खरीदता है। नंबर दो पे क्या खरीदता है? सोना, दो अक्षर का सोना नंबर दो पे है। नंबर तीन पे पेट्रोलियम उत्पाद, यानी रिफाइंड पेट्रोलियम खरीदता है नंबर तीन पे। चार पे क्या है? मोती और कीमती पत्थर। पांच पे कोयला। अब याद कैसे रहेगा? ये याद रखने का एक ही तरीका है, बार 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 इसे पढ़ना होगा। तो कच्चा पेट्रोलियम, सोना, पेट्रोलियम उत्पाद, 1, 2, 3। फोर पे मोती और कीमती पत्थर, हीरा वगैरह। पाँच पे कोयला। ये भारत खरीदता है। अब भारत बेचता क्या है? सबसे ज़्यादा बेचता है पेट्रोलियम उत्पाद, नंबर वन बेचता है। ये अंबानी साहब का बिजनेस भी है, रिफाइंड पेट्रोलियम। नंबर दो पे क्या भारत बेचता है सबसे ज़्यादा? मोती और कीमती पत्थर। गुजरात में इसका बहुत बड़ा बिजनेस है, और मोती और कीमती पत्थर में देखिए हीरा भी है। हीरा कहाँ से आता है? रशिया से आता है, अफ्रीका से आता है, और उसको पॉलिश करके विदेशों में बेचा जाता है। इजराइल में क्या, एक डाटा आप जान लें, इजराइल में जो कुल भारत एक्सपोर्ट करता है 50% डायमंड का एक्सपोर्ट करता है। इजराइल को जो टोटल एक्सपोर्ट होता है भारत की तरफ से, उसमें 50% हीरा है। चलिए कुल निर्यात की बात कर रहे हैं। पहला है पेट्रोलियम उत्पाद, नंबर दो पे है मोती और कीमती पत्थर जिसमें हीरा भी है, नंबर तीन पे है लौह इस्पात, टाटा एंड सन्स का बिजनेस, टाटा एंड सन्स।
यही तो बिजनेस है। नंबर वन था रिलायंस ग्रुप का, आर से रिलायंस ग्रुप का बिजनेस है। नंबर चार पे है मेडिसिन यानी कि ड्रग्स, और पांचवा पे है सोना। तो नंबर वन पे क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री का जो बिजनेस है पेट्रोलियम उत्पाद यानी रिफाइंड पेट्रोलियम। नंबर दो पे मोती और हीरा वगैरह कीमती पत्थर। तीन पे है लोहा यानी कि टाटा कंपनी का बिजनेस जो है, और चौथा है ड्रग्स यानी कि मेडिसिन, पांचवा पे है सोना। अब आगे अगला क्या है, कृषि उत्पाद जो भारत निर्यात करता है यानी भारत बेचता है उसमें नंबर वन क्या है, समुद्री उत्पाद, और नंबर दो पे क्या है, चावल बासमती को छोड़ के। नंबर तीन पे है तीन अक्षर का मसाला। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वीवीआई है, भारत सबसे ज़्यादा निर्यात किस देश को करता है। तो भारत सबसे ज़्यादा अपना जो प्रोडक्ट है सेवा है वो अमेरिका को बेचता है। नंबर दो पे यूएई है। और सबसे ज़्यादा आयात कहाँ से करता है भारत वस्तुओं का सेवाओं का, तो चीन से नंबर दो पे यूएई। अब है निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। भारत में सबसे ज़्यादा निवेश किस देश से आता है, सिंगापुर से आता है। किस क्षेत्र में आता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में यानी आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा निवेश भारत में आता है, सिंगापुर से आता है। और अगर राज्य पूछेगा तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है, तो गुजरात में। देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है, तो 308 मिलियन टन। कितना, 308 मिलियन टन। बीपीएससी में सीधे डाटा पूछता है, आपको याद रखना होगा। अगला यह है खरीफ का उत्पादन कितना है, खरीफ का उत्पादन 150 मिलियन टन। खरीफ का उत्पादन कितना है, खरीफ का उत्पादन है 150 मिलियन टन। आगे ये बताना है दलहन का उत्पादन कितना है, दलहन का है 25 मिलियन टन। देखिए ये 257 लाख है, मैंने मिलियन में बताया तो मिलियन में कितना, 25.72, ये मिलियन में। दलहन का 25.72 मिलियन टन दलहन का उत्पादन, ठीक है। और दलहन उत्पादन में दुनिया का 25% दलहन भी भारत उत्पादन करता है। गन्ना का उत्पादन तो हम मिलियन में बोलेंगे तो 355 मिलियन टन, मिलियन में कितना, 355 मिलियन टन। जो इम्पॉर्टेंट है हम उसी को देख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको हम छोड़ दे रहे हैं। अगला एमएसपी कौन तय करता है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है कृषि उत्पादों पे, वो तय करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कौन, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अभी वर्तमान में कितने फसलों पर एमएसपी है, तो 22 फसलों पे है, 14 खरीफ, 6 रबी, 2 व्यावसायिक। फिर से, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है विभिन्न कृषि फसलों का। कितने पे एमएसपी है, 22 पे, 14 खरीफ, 6 रबी और 2 व्यावसायिक, व्यावसायिक में जूट और खोपरा। अगला, देश का जो कुल बुवाई वाला क्षेत्र है जहां पर कृषि फसलों का को रोपा जाता है, बोया जाता है, उसमें 49% ही सिंचित क्षेत्र है और 51% मानसून के भरोसे है यानी भगवान भरोसे है, और 49% पर सिंचाई की व्यवस्था है। भारत में जितना भी क्षेत्र में बुवाई किया जाता है फसलों का, उसमें 49% पर सिंचाई का व्यवस्था है, चाहे नहर से हो या बोरिंग से हो, जबकि 51% जो भाग है वो मानसूनी वर्षा पर निर्भर है यानी भगवान भरोसे है। अब देखते हैं जो 49% भाग में सिंचाई की व्यवस्था है उसमें नहर से जो सिंचाई होता है 40% और भूमिगत जल से 60%। और ये भूमिगत जल में क्या क्या आ जाएगा, कुआँ भी आ जाएगा और नलकूप भी आ जाएगा यानी बोरिंग वगैरह भी आ जाएगा, क्योंकि कुआं नलकूप दोनों का पानी भूजल से ही आता है। अगला जो क्वेश्चन है, चलिए इसको ट्रिक के साथ बताते हैं। अंडा क्या है, अंडा मांस मछली दूध चीनी, इसमें भारत का रैंक बताना है आपको, याद करने का हम आपको ट्रिक बताते हैं। चलिए दूध, एक छोटा बच्चा का एग्जांपल लेते हैं, क्या एक छोटा बच्चा का एग्जांपल लेते हैं और वहां से हम ट्रिक बनाते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। छोटा बच्चा दूध पीना कब स्टार्ट करेगा, पहला साल से, तो दूध में भारत का पहला 23% कुल वैश्विक उत्पादन का। बच्चा जब 2 साल का हो जाएगा तो बच्चा बोलेगा दूध में चीनी मिलाई है, तो चीनी में दूसरा। बच्चा 2 साल का हो जाएगा तो बच्चा बोलेगा हमको मछली भी खाना है, यानी उसके गार्जियन मछली भी देना शुरू कर देंगे। मछली चूँकि सुपाच्य होता है, तो जब बच्चा 2 साल का होगा तो मछली भी देना शुरू कर दिया जाएगा, चीनी भी स्टार्ट हो जाएगा दूसरे साल में ही। जब बच्चा 3 साल का होगा तो बच्चा को अंडा खिलाना भी स्टार्ट कर देंगे गार्जियन, बच्चे को अंडा खिलाना गार्जियन स्टार्ट कर देंगे तीसरे साल में।
अंडा खिलाना स्टार्ट कर देंगे तीसरे साल में। और मांस, मांस कब स्टार्ट होगा? जब बच्चा 8 साल का होगा। जब बच्चा 8 साल का होगा तब बच्चा को मांस खिलाना गार्जियन स्टार्ट करेंगे। तो ये ट्रिक है। क्वेश्चन ये है कि कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन है हमारे देश का? कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग कपास है। नंबर दो पे चीनी उद्योग, नंबर दो पे चीनी, नंबर वन पर कपास। चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन है? हमारा देश भारत। सबसे ज़्यादा रोजगार भारत में किस क्षेत्र में है? कृषि में। कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार किस उद्योग कहाँ पे है? कपड़ा उद्योग में। वनस्पति तेल, वनस्पति तेल यानी कि रिफाइन हो गया, डालडा हो गया, तो इसका सबसे बड़ा आयातक कौन है? यानी कौन देश सबसे ज़्यादा वनस्पति तेल को खरीदता है? अपना देश भारत। और हमारा देश वनस्पति तेल का नंबर दो उपभोक्ता भी है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, भारत में कुल सड़कों का लंबाई कितना है? 64 लाख किलोमीटर। कितना? 64.45 लाख किलोमीटर भारत में कुल सड़कों का लंबाई है। और अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है सड़कों में। भारत में सड़कों का कुल लंबाई 64.45 लाख किलोमीटर, अमेरिका के बाद नंबर दो है। रेलवे की बात करते हैं, क्या? रेलवे, रेलवे में भारत तीसरा नंबर पर है। कितना रेलवे है? 68,000 किलोमीटर। कितना? 68,000 किलोमीटर। ठीक है, नंबर वन पे रेलवे में कौन है? अमेरिका। नंबर दो पे चाइना, नंबर तीन पे इंडिया। आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे का शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक है? यानी नेट कार्बन जीरो रेलवे का कब तक है? 2030। और कोंकण रेलवे जो है, क्या कोंकण रेलवे 100% विद्युतीकरण कर चुका है अपना 2022 तक ही। कब तक? 2022 तक ही। अगला क्वेश्चन एक और है कि रेलवे दिसंबर 2023 तक 100% विद्युतीकरण अपना कर लेगा। क्या? रेलवे 2023 दिसंबर तक अपना 100% विद्युतीकरण कर लेगा, वो भी ब्रॉड गेज पे, क्योंकि छोटी लाइन है तो उसमें थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा लगेगा। ब्रॉड गेज पे यानी जो नॉर्मल जो पटरी होता है ब्रॉड गेज है, कहीं कहीं छोटी लाइन भी होती है वो अंग्रेजों के समय का, तो वहाँ पे नहीं, ब्रॉड गेज पे दिसंबर 2023 तक का टारगेट है 100% विद्युतीकरण। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि भारत में जो FDI आता है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में जो FDI आता है, देखिए हर देश में अलग अलग FDI जाता है। सबसे ज़्यादा FDI अमेरिका में आता है। भारत में, भारत का नंबर क्या है FDI प्राप्तकर्ता देशों में? तो भारत का स्थान है पाँचवा, भारत का स्थान है पाँचवा, अमेरिका है नंबर वन FDI प्राप्त करने वाले देशों में। ये है GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या? ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो GVA है ग्रॉस वैल्यू एडेड में सेवा क्षेत्र का जो हिस्सेदारी है वो 57.14% है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, क्या? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, इसमें कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ अप्रैल से दिसंबर के बीच? 5.2%। क्या? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI में अप्रैल से दिसंबर के बीच 5.2% का वृद्धि हुआ। अगला, थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI में अप्रैल से दिसंबर में कितना वृद्धि हुआ? 12.5%। यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जो वृद्धि है 5.2%, थोक मूल्य सूचकांक में जो वृद्धि है 12.5%। अगला क्वेश्चन, ये सारा इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जंगल, सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस देश में है? तो रूस। सबसे ज़्यादा जंगल किस देश में है? रूस। भारत का स्थान, भारत का स्थान है 10। क्या? भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान है 10। सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ है? रूस में नंबर, और भारत का स्थान 10। अब बात करते हैं प्रतिशत में, अब बात क्या करते हैं प्रतिशत में, प्रतिशत में सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पे है? तो प्रतिशत में सबसे ज़्यादा जंगल ब्राज़ील में है, भारत का स्थान 8वां। सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा जंगल प्रतिशत में ब्राज़ील में है, और भारत का स्थान क्या हुआ है? भारत का स्थान है 8वां। 2010 से 2020 के दौरान जो वन क्षेत्र में वृद्धि हुआ है तो इसमें भारत का स्थान तीसरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व के कुल वन से आच्छादित क्षेत्र, दुनिया में जितना भी जंगल है भारत का जो जंगल कितना प्रतिशत है विश्व के कुल जंगल का? 2%। क्या? 2%। विश्व में जितना भी जंगल है उसका 2% भारत में है। अगला क्वेश्चन है, 2011 से 2021 के दौरान भारत में फॉरेस्ट कवर में कितना वृद्धि हुआ है?
3%, ये सब डाटा है, याद आपको करना ही पड़ेगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा ही जाता है, एकदम फिक्स है कि गारंटी है कि क्वेश्चन यहाँ से आएगा। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम कब का है? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम कब का है? अगस्त 2021 का है। कब का है? अगस्त 2021 का। आगे, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक यानी सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का प्रारंभ कब से हुआ? 1 जुलाई 2022, यानी डॉक्टर के सलाह से शुरुआत हुआ कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैंड हो, 1 जुलाई 2022। अब मैंने आपको ऐसा इसलिए बताया क्योंकि 1 जुलाई डॉक्टर्स डे भी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं हवा में, जो प्रदूषक होते हैं, जिनको पीएम कहते हैं, प्रदूषकों का एक कैटेगरी का नाम है पीएम, तो जो पीएम है पार्टिकुलेट मैटर, इसकी मात्रा को, इसकी सांद्रता को 20 से 30% तक कब तक घटा दिया जाएगा? 2024 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत के जल संसाधनों में गंगा नदी बेसिन का योगदान कितना है? गंगा बेसिन का योगदान 28% है। अगला, गंगा नदी बेसिन, ध्यान दीजिएगा, अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी बेसिन कितने आबादी को कवर करती है? भारत के 43% आबादी को गंगा नदी बेसिन के द्वारा कवर किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है, 10% इथेनॉल पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाने का जो लक्ष्य है ये 2022 में ही हासिल कर लिया गया है। 20% इथेनॉल मिलाने का जो लक्ष्य है कब तक हासिल किया जाएगा? 2025 तक। कब तक? 2025 तक। अगला, परख क्या है? क्या क्वेश्चन है? परख क्या है? तो परख एक पोर्टल है। क्या है परख? एक पोर्टल है, और इसके तहत क्या किया जाएगा? परख नाम का एक पोर्टल स्थापित किया गया जिसके तहत मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को भौगोलिक सूचना प्रणाली पर मापा जाएगा। यानी जो भी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला है हमारे देश में, भारत में, उसका भौगोलिक सूचना प्रणाली पर उसको मापा जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से। अगला क्वेश्चन ये है कि फार्मास्यूटिकल यानी कि दवा इंडस्ट्री में जो दवा का उत्पादन होता है उसमें भारत का स्थान कहवा है दुनिया में? तीसरा है। ठीक, यहाँ देखिए, जो फार्मास्यूटिकल उद्योग है यानी जो दवा उद्योग है उसमें भारत का रैंक है तीसरा। जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन है, सप्लायर कौन है? हमारा देश। जेनरिक दवाओं का कितना परसेंट हिस्सेदारी को सप्लाई भारत करता है? 20%। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रमुख बड़े बंदरगाह कितने हैं? 13। ठीक है, चलिए, बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम को अधिसूचित किया गया, तो बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021 को अधिसूचित किया गया। अगला आपको यह बताना है कि अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021, क्या अंतर्देशीय पोत यानी जो नदी, भारत के नदियों में स्थापित होगा, जैसे कि बिहार में एक स्थान है सारण, क्या सारण, और सारण में डोरीगंज एक जगह है, वहाँ पर बनने वाला है, गंगा जी पर बनने वाला है वहाँ पर एक अंतर्देशीय बंदरगाह। तो अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021 आया, इसके पहले का कानून कब का था? इसके पहले का अधिनियम कब का था? तो अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 था। तो कम्युनिकेशन का जो दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, दूरसंचार का भारत है। अगला क्वेश्चन, कोरोना का पहला लहर चरम पे कब था? कोरोना मार्च अप्रैल में आया था, मार्च अप्रैल 2020 में। कोरोना का पहला लहर चरम पे कब था? सितंबर 2020 में। कब था? सितंबर 2020 में। अगला बताइए, जो भारत क्रूड ऑयल खरीदता है विदेशों से, अपनी आवश्यकताओं का कितना प्रतिशत वो खरीदता है? उसका 80% बाहर से मंगवाता है और 20% भारत में उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नया स्टार्टअप राजधानी कौन है? क्या भारत का नया स्टार्टअप राजधानी कौन है? तो दिल्ली है। कौन है? दिल्ली है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम अमेरिका और चीन के बाद भारत है। अगला क्वेश्चन है, यूनिकॉर्न किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन क्या है? यूनिकॉर्न किसे कहते हैं? तो देखिए, एक पहले आप जानिए, 1 बिलियन का मतलब क्या होता है? 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। ठीक है, तो आपको बिलियन में लगा देना है डॉलर, 1 बिलियन डॉलर या 100 करोड़ डॉलर, जिस कंपनी का बाजार मूल्य है, जिस कंपनी का मार्केट प्राइस 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है या 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर है, उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। आगे, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान कितना है? 2% है। कितना है? 2% है।